मैं हूं विनीत खरे, बीबीसी हिंदी के एफबी लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूं बैंका गांव में। ये गांव भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 14-15 किलोमीटर दूर है, पंजाब में हैं हम। और हम इस वक्त हैं एक रिलीफ कैंप में। कई हज़ार लोग जो भारत पाकिस्तान सीमा के भारतीय तरफ भी रह रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ भी, लेकिन हम इस वक्त भारतीय तरफ हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। वो उन्हें बोला गया कि सुरक्षा कारणों से वो अपने घरों को छोड़ दें और वहाँ से चले जाएं। ये एक रिलीफ कैंप है और यहाँ पर करीब 30 से 35 परिवार हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं यहाँ पर। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं सोना देवी। ये दरअसल एक मिडिल स्कूल है, सोना जी वहाँ पर पढ़ाती हैं। सोना जी, थोड़ा हमें समझने में मदद कीजिए सबसे पहले कि यहाँ करीब कितने लोग आए हैं और किन परेशानियों से वो दो चार हैं। सर, ये दो तीन दिनों से जो भारत और पाकिस्तान के जो थोड़ा माहौल गर्मा गर्म हो रखा है, उसकी वजह से ये इनको ऑर्डर्स हुए हैं कि आप अपने घर छोड़ के अपने परिवार और सामान को लेके सुरक्षित जगहों पे चले जाएं। काफ़ी लोग हैं जो अपनी फैमिलीज में चले गए हैं, पर जो लोग जिनके पास बिल्कुल भी रहने के लिए जगह नहीं है तो वो हमारे यहाँ स्कूल में आए। और हमारी ऑफिशियल ड्यूटीज़ लगी है कि अब मेरा ये स्कूल है, मैं अपने स्कूल में सिंगल टीचर हूँ और स्कूल के अंदर ड्यूटीज लगे हैं। हमारे सिविल इनका ये शरणार्थी कैंप लगा हुआ है और हम इनको रख रहे हैं। सोना जी, आप हिंदी पढ़ाती हैं और यहाँ पर लोग हिंदी में बात शायद नहीं कर पाएंगे, तो हम आप थोड़ा समय समझने में मदद कीजिए। अम्मा, आप कहाँ से आई हैं और किन परिस्थितियों में आई हैं, थोड़ा बताएंगे सोना जी क्या कह रहे हैं? इन्होंने क्या भी तुम इतने क्यों आए हो, किस तरह के माहौल से तुम आए हो, दसो बीबी। हाँ, सानू उठाया तो असीं आए हैं। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਕਿਸ ਗਾਉਂ ਸੇ ਕਿਸ ਗਾਉਂ ਸੇ ਹੈਂ ਆਪ? ਬੀਬੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੋ? ਖਾਲੜੇ। ਇਹ ਇਨਕੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲੜਾ। ਔਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕਿਆ ਕਹਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨਸੇ ਸਰ ਕਿਆ ਕਹਾ? ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਮੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਕੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਸਮਾਨ ਕੋ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ, हमारे साथ एक और हैं। क्या नाम है आपका, नाम क्या है? जगीर कौर जी। अच्छा जी, कौर जी, आप बताएंगे आप किन परिस्थितियों में यहाँ पर आई हैं और यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं? सानू ये ना कड्या जांदे निकल जो बड़ा ना लान कीता बथेरा वेर दे। ये कह रहे हैं कि वहाँ वही सेम बात कह रहे हैं कि हमें वहाँ से कहा है कि आप अपनी परिवार को लेकर सामान को लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, यहाँ पे कोई भी मतलब लड़ाई का माहौल है तो कुछ भी हो सकता है। जी, तो वहाँ पर आप कितने दिनों के लिए आप यहाँ ही हैं, क्योंकि ये तो साफ नहीं है कि आप कितने दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा? कितना डर है आपके गाँव में? बहुत ज्यादा ਚੱਕ ਬੰਬਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਭੀ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਕੇ ਗਾਉਂ ਕੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਨੇ ਲੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਈ ਹੈ ਤੋ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੇ ਸਭ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੱਟ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਬਗਲੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗਾਉਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ, ਔਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ जा रहे थे तो बहुत सारे लोग हैं वो अपना सामान लेकर ट्रैक्टरों में गाड़ियों में वो वापस आ रहे थे। आज बताया जा रहा है कि स्थिति थोड़ी बेहतर है रोड पर, लेकिन कल परसों की जो स्थिति थी वो ये थी कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और पेट्रोल नहीं मिल रहा था, कई पेट्रोल पंप उन्होंने बंद कर दिया था स्टेशन। सोना जी, आपसे मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन हमारे साथ है सुखा सिंह जो कि इंचार्ज हैं इस रिलीफ कैंप के, नोडल ऑफिसर हैं। आप बताइए सुखा सिंह जी, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ये जो लोग हैं यहाँ पर? सर, इस डिस्ट्रिक्ट में 23 रिलीफ कैंप हैं, उसमें से एक ये कैंप है बैंका में। तो तकरीबन 16 परिवार है जहाँ पे आए, 30-35 इन्होंने मेंबर हैं। तो इसका मुकम्मल किया गया है, हमने डॉक्टरी सहायता के लिए, जो खाने के लिए, वो टॉयलेट बाथरूम वगैरह सारा इंतजाम है मुकम्मल सर। अच्छा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ दवाइयाँ भी हैं। ये दवाइयाँ, क्या नाम है आपका? डॉक्टर गुरजिंदर सिंह। थोड़ा सा तेज। डॉक्टर गुरजिंदर सिंह। गुरजिंदर सिंह जी, डॉक्टर गुरजिंदर सिंह
मेडिकल ऑफिसर हैं आप, ये एक दवाइयाँ कुछ बताएंगे किस तरह की दवाइयाँ हैं और किस लिए? कोई भी जो मतलब कि इतने फैमिली आ रही हैं उनको प्रॉब्लम वास्ते, मतलब कि किसी बुखार हो, किसी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट एड देने वास्ते, उन्होंने वास्ते फर्स्ट एड देने वास्ते मेडिकल ड्यूटी लगी, सरकार ड्यूटी लगी है मेरी इतने। जी हाँ जी जी। और किस तरह की परेशानियाँ लेकर लोग आ रहे हैं यहाँ पर? परेशानियाँ इतने मतलब कि बहुत दुनिया, मतलब कि परेशानियाँ, मतलब कि हर किसी प्रॉब्लम से, मतलब थकावट हो जा रही है मतलब रस्ते में, मतलब हाँ जी, ये वास्ते सरकार ने मतलब कि इन्हों कोई प्रॉब्लम ना आए मेडिकल लैन वास्ते, फर्स्ट एड देने वास्ते मैं इतने इन्हों का हाँ जी खास ध्यान रख रहा इन्हों का जी। जैसा कि बता रहे हैं बहुत परेशानियां लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, पुलिस भी व्यवस्था है, पुलिस की भी तैनात की है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं लखविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। सुना देवी आपके पास फिर से आऊँगा, सुना जी यहाँ पर आप कुछ मॉनिटर कर रही हैं, कुछ आइडिया है कि कितने दिन तक ये लोग रहेंगे, कुछ सरकार ने बताया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि कब तक यहाँ पर रहेंगे? सर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है जी जी। और ये एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर आए हैं, बच्चे हैं माँ, तो उनके लिए किस तरह की परेशानियां हैं? आपके लिए तो परेशानियां हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं यहाँ पर। साहब जी बच्चे रोंदे बड़े आते ही मर जाएंगे, सानू लै जाओ जंग त्यों बचा के, हावे निके निके बच्चे सारे आए हैं, सियाने बेचारे उसे बैठे समान रख बैठे भावे निकले जा। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे हम बड़े हैं, हमारे मन के अंदर डर हुआ है, तो ये तो ऑब्वियस है भी बच्चे हैं, बच्चों के अंदर डर तो होएगा ही, बाकी इनका पढ़ाई का भी थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। पर मैं यहाँ पे स्कूल इंचार्ज हूँ, स्कूल टीचर हूँ, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक इनको पढ़ाती भी हूँ जी। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ पर बहुत ही अनिश्चितता है, कई लोगों से जिनसे हमारी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि वो शाम को आते हैं और ये कहें कि शाम को यहाँ से इस इलाके से चले जाते हैं जिनको कहा गया है इन इलाकों को छोड़ने के लिए, और वो सुबह आते हैं, दिन भर रहते हैं अपने घरों में, उनको डर है कि कहीं उनके घर में चोरी ना हो जाए, कोई घुस ना जाए, कोई उनका सामान ना ले जाए। तो कई ऐसी गांव हैं जहाँ पर हमने दौरा किया है, वहाँ पर लोगों ने लोग डरे हुए हैं बहुत, जो स्थिति है उसको तो लेकर डरे हुए हैं, लेकिन जो सामान उनका घर पे है उसको लेकर भी बहुत डरे हुए हैं। और उनमें ये भी सवाल है कि अगर हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं एक दिन, दो दिन, चार दिन, तो कितने दिनों तक रहेंगे? उनका ये भी कहना है कि उनके दिमाग में कई सवाल हैं कि ये भी स्थिति क्या है, क्या इतनी भयावह है, क्योंकि वो ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर सेना की कोई मूवमेंट नहीं है, तो क्या ये स्थिति क्रिएट है, की जा रही है, या फिर या स्थिति सचमुच में इतनी खराब है जैसा कि दावा किया जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखें। मुझे विनीत खरे को बांका गांव से दीजिए इजाज़त, विदा।